अब यहाँ पे पूजन चालू हो चुका है। पूजा उजा तो पूरी सब कुछ हो चुकी है, आरती आरती हो चुकी है, बट अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग यहीं पर रात पर रुकेंगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरा अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि अभी भीड़ है तभी हम लोग जा नहीं रहे हैं। गाइस अब मंदिर खाली हो चुका है, हम ही लोग रुके हैं, अब हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। चंदन लगाया है और अभी हम जा रहे हैं बाटी चोखा खाने के लिए। यहाँ पे बने हैं बाटी चोखा, है ना गाइस? यस गाइस, ये देखिए गाइस यहाँ पे बाटी चोखा चल रहा है पूरा, और हम लोग जा रहे हैं बाटी चोखा खाने। सो गाइस आज हम लोग खाएंगे पत्ते पे बाटी चोखा, यहाँ पे पत्ते आ चुके हैं और अब बाटी चोखा आने वाला है हम लोगों के लिए। गाइस अभी हम खाने जा रहे हैं बाटी, अब बाटी खाने के बाद ही मिलेंगे क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी है। सो गाइज अभी जो है हम बाटी चोखा खाए हैं और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ पे बने हैं भोले बाबा वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत फोटो ले लें और आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखा दें। सो गाइज अब हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, ये बहुत ही ठंडा है नीचे क्योंकि बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा स्लिपी हो रहा है। ये देखिए पूरा भोले बाबा का श्रृंगार किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है गाइज नीचे, क्या बताएं। गाइस 7 बज रहा है और मंदिर इस समय बंद करवा दिया गया है, और ये देख रहे हैं अंदर एक दिया चल रहा है और हमारे भोले बाबा अंदर हैं। सो गाइस 7 बज रहा है और इस समय हम लोग यहाँ पे मंदिर के बाहर ही यहीं पे लेटे हुए हैं और यहीं पर लेटेंगे भी रात में। यहाँ पे लाइट एट कुछ नहीं है, बस हम हैं और ये प्राकृतिक आवाज़ें हैं जो आप सुन रहे हैं झुनझुन झुनझुन झिंगरों की। यार यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही थक चुके हैं क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा चले हैं आज कि हम क्या बताएं। जो जगह है इसका नाम है बाबा अंगलीनाथ, ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है यही रियलिटी है यहाँ की, कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने जहाँ पे मतलब कि अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी थी, जो उसकी पहली शिवलिंग थी वो उन्होंने यहीं पर स्थापित करी थी। जो यहाँ की शिवलिंग है वो मतलब कि उन्होंने अज्ञातवास में पहली शिवलिंग थी वो यहीं पर स्थापित करी थी, और उसके बाद दूसरा वो नदी पार करके यमुना पार करके उधर गए थे और फिर उन्होंने वहाँ पर टेढ़ेनाथ में स्थापित करी थी। गाइज यहाँ की जो शिवलिंग है मतलब कि वो बहुत ही प्राचीन है, हम लोग शॉर्ट में शायद उनको नहीं ले पाए थे, शायद अगर होगा तो वीडियो में होगा मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरानी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अभी तो फिलहाल उनके ऊपर ये पूरा बर्फ़ का अमरनाथ बाबा जैसा बना रखा है। और गाइज जो टेढ़ेनाथ है, जैसा कि आपने देखा था हम लोग पिछले ब्लॉग में वहाँ पर पैदल गए थे, टेढ़ेनाथ का ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है इसका भी रियलिटी यही है कि अभी करीबन 200-300 साल पहले जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन्हें मंदिर यहाँ से हटाना था, तो उन्होंने करीबन 2-3-4-5 हाथियों से शिवलिंग को बांध के खिंचवाया था और तब भी मतलब कि वो शिवलिंग हिली नहीं, थोड़ी सी हिली थी, टेढ़ी हो गई थी हल्की सी, पर हाथी वहीं पे गिर के मर गया था, बट शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ था। सो वो जो शिवलिंग है वो थोड़ी सी टेढ़ी है तभी उनका नाम है टेढ़ेनाथ। हाथी से खिंचवाया था बट हाथी भी मर गया, और फिर उसके बाद उन्होंने आरी से कटवाया था, आरी भी टूट गई और वो जो लोग थे वो सब भी मर गए, पता नहीं क्या हुआ। और जो अभी भी वहाँ पे शिवलिंग है वो टेढ़ी है और आरी से आधी कटी हुई हैं। इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में एक वही ऐसी शिवलिंग है जो मतलब इतनी कटी हुई हैं और तिरछी हैं। तो गाइस अभी आप ये जो दो व्लॉग अभी आपने देखे, पिछला व्लॉग और ये व्लॉग, ये पूरा समझ लीजिए पांडव के टाइम का द्रौपदी युग का है पूरा, ये सब जो कुछ भी हमने आपको दिखाया ये तब का है गाइस। अब आप खुद ही सोचिए कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो कितना पुराना और कितना महान है।
यार मतलब सच में गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है तब ये सब बातें सुनते हो, और इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना बॉडी में कि हम क्या बताएं। तो अभी तो हम यहाँ पे लेटे हुए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये हमें फ्लैश लाइट दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, और हम लोगों को भूख भी लगी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, हम लोग खाना खाएंगे और फिर सीधे सो जाएंगे ना छोटू। नींद तो आनी नहीं है गाइस। गाइस 9 बज रहा है और यहाँ पे उधर साइड में रामायण हो रही है, और यहाँ पे एक बल्ब भी लगाया गया हाइड्रोजन वाला जनरेटर से चल के। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक तो ये बरगद बाबा के नीचे बैठ के, और वो रहे हमारे मंदिर जंगली नाथ। गाइस रात का 11 बज रहा है और हम लोग अभी खाना पीना खा चुके हैं, और अभी हम लोग बाहर जंगल में एक तरीके से पूरा खड़े हुए हैं, आपको दिख तो नहीं हो रहा होगा। और गाइस हम लोग इतने लकी हैं ना कि हम लोग जो है बिल्कुल मंदिर के पास में ही लेटे हैं, जहाँ पे मतलब कि शिवलिंग बनाई गई हैं, अमरनाथ देवता बनाए गए हैं, उनके बिल्कुल जस्ट सामने ही लेटे हुए हैं। एटलीस्ट जिन्होंने कराया है वो भी नहीं लेटे हैं, सिर्फ हम लोग लेटे। इतना अच्छा सौभाग्य और इतना अच्छा लग रहा है गाइस। तो अभी तो रात हो रही है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सोने। आप सीधे सुबह मिलते हैं गाइस। नींद बहुत लगी है, बहुत तेज नींद लग रही है, बहुत ज़्यादा थके हैं। ठीक है, गुड नाइट गाइस। 2 hours later प्लान चेंज गाइस। 1 बज रहा है और हम लोग बाहर निकल के बैठे हैं। जो इससे पहले वाला वीडियो है वो एडिट कर रहे हैं क्योंकि अंदर मच्छर उठा के लिए जा रहे हैं। क्या बताएं, मतलब मच्छर सच में उठा के ले जाएंगे अगर हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठ गए। अभी मैं उस वाली वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, अब पूरी रात आज एडिटिंग में ही बीत जाएगी, अब सीधे सुबह ही मिलेंगे। अब गाइस हम लोगों ने ये देखिए गाइस, ये मेरा हाथ हिला रहा है, ये दिख नहीं रहा था अभी। रात में सोए नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना तेज पानी बरस रहा है। पूरी रात यहाँ पे बस पानी ही बरसता रहा है। Hey guys, what is up? Today is 14th of June, और हम लोग रात भर नहीं सोए थे, बस सुबह करीबन भाई 5 बजे तरफ सोए थे, और पानी बहुत ही ज़्यादा बरस रहा था। और अभी बज रहा है 10, पानी बंद हो चुका है, हम लोग चाय पी चुके हैं। यार नहाने का मन नहीं कर रहा, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। ये होगा ही नहीं, इतनी ठंड में नहा ही नहीं सकते हम लोग। गाइज यहाँ पे ये इतना चिकना है ना, इतनी काई लगी है कि हम क्या बताएं। ये देखिए गाइज, ये है पूरा जंगल, ये वही रास्ता गई है जो गई है वहाँ पे टेढ़े नाथ के लिए। और ये पूरा जंगल देखिए कितना आज ग्रीन ग्रीन लग रहा है, पूरे दिन पानी बरसा यहाँ पे। ये देखिए कौन आ रहा है गाइज। हाय गाइज। सो गाइज कल हम गए थे, मतलब कि कल हम गए थे टेढ़े नाथ, और जंगली नाथ में तो है ही इस समय, और जंगली नाथ से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में ही है गरीब नाथ। तो अब हम लोग जा रहे हैं गरीब नाथ और देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पे ऐसा है क्या। गाइस हम भी जा रहे हैं गरीब नाथ की तरफ, वो भी आज नंगे पैर, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा बरसा है और जंगल का रास्ता है, और ये जो पगडंडियाँ होती हैं बहुत ही आरामदायक होती हैं ऐसे नंगे पैर चलने के लिए। और गाइस यहाँ की जो मिट्टी है ये रेतीली है, क्योंकि यहाँ से पहले पूरी की पूरी गोमती नदी थी, तो बिल्कुल बालू से मिली हुई रेतीली मिट्टी है, तो बहुत ही मुलायम है गाइस। बम बम बोले जय शिव शंकर, हर हर गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हरे हरे गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कितने विशाल काय पेड़ हैं, हे भगवान, कितनी बेहतरीन जगह है गाइस, ये देखिए आप लोग। जंगल क्रॉस करके हम लोग प्लेन एरिया में आ चुके हैं, और अभी हम बढ़ रहे हैं गरीब नाथ के लिए। गाइस हम लोग तो इतना दूर चल के आ चुके हैं, बट ये देखिए हमारे घर के महिला जन और हमारे घर के बच्चे कितने पीछे हैं, और अब व्यू तो आज भी देख ही रहे होंगे कि कितना प्यारा हो रहा है। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं गरीब नाथ, आप देख सकते हैं उधर है मंदिर, और फिलहाल हमें इस झील को पार करना है। गाइस तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं गरीब नाथ की, शिवलिंग की। ये देखिए गाइस, ये हैं गरीब नाथ जो कि पूरे पत्थर के हैं। और गाइस ये जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है गरीब नाथ का मंदिर, छोटा सा है, और इसमें जो जो पिंक वाला ऐसा देख रहे हैं बीच में, इसी के अंदर है ये शिवलिंग।
सो गाइस ये वाला जो मंदिर है ये है गरीबनाथ का मंदिर। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर था, कोई इंसान यहाँ पे आया होगा तब ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी थी, और रात के मतलब कि अगले दिन, और वो अगले दिन जब यहाँ पे आए ये मंदिर अपने आप उसे बना दिख गया था। और ये जो पूरा मंदिर है ये पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है, ना इसमें ईंट है ना सीमेंट है, पूरा पत्थर से बना हुआ, बहुत ही पुराना है। सो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि बूंदाबांदी चालू हो चुकी है, और अगर पानी बरसने लगा तेज तो हम यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जंगली नाथ करीबन नहीं तो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर हैं। सो फाइनली हम लोग जंगल के अंदर फिर से वापस आ रहे हैं, और सांस इस वजह से फुल नहीं है, 2-3 मिनट कंटिन्यूस दौड़े हैं, सांस इस वजह से फुल है क्योंकि 3 से 4 मिनट इतनी तेज दौड़े हैं शॉट के लिए कि क्या बताएं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस जंगली नाथ। 11 बज रहा है और जो यहाँ पे रामायण थी वो समाप्त हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पे बस तैयारी हो रही है निकलने की, अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं पुआई के लिए, और शायद आज ही हम लोग हरदोई वापस भी जाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होगा। गाइस रामायण समाप्त हो चुकी है और हम लोगों को बस प्रसाद मिल रहा है, और प्रसाद खा के बस हम लोग घर वापसी के लिए निकलने वाले हैं। हमारी गाड़ियाँ सारी तैयार हो चुकी हैं। गाइस अभी हमने अंतिम बार भोले बाबा के दर्शन करें और अब हम वापस जा रहे हैं पुआएं। सो गाइस अब हम वापस जंगली नाथ से निकल चुके हैं पुआएं के लिए। गाइस अभी गाड़ी ने ऐसा धोखा दिया था यार, क्या बताएं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसको स्टार्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, और आप देख सकते हैं ये कितना यहाँ पे कीचड़ हो रखा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बरसा है। गाइस वी जस्ट जॉइन द हाईवे, और आप हाईवे देख रहे हैं कितना प्यारा है ये, इसे देख के मजा आ गया, कतई मक्खन से भी ज्यादा चिकना। गाइस अभी हम शुक्लापुर में हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया था, तो अभी हम थोड़ा करने जा रहे हैं नाश्ता पानी। भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, सोचा यहाँ खाएंगे थोड़ा अच्छा होगा, पर यहाँ खाने के बाद हम लोग तर चुके हैं, क्या बताऊँ, इतना गंदा। अब वापस जा रहे हैं पुआएं। सो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके थे 2-3 घंटे पहले, वही करीबन 4 बजे तरफ, और अभी 8 बज रहा है। ये देखिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है, मैंने जस्ट अभी इससे पहले वाला व्लॉग पोस्ट किया है, और अभी हम लोग थोड़ा बाहर घूमने आए हैं, अमन से मिलने आए हुए हैं, तो इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, व्लॉग को एंड तक देख लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू सो मच, और एक और बड़ी प्लानिंग बन रही है, देखते हैं अब होगा क्या आगे।